हे गाइस, वेलकम टू एआरके मोटो ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस एसटीएक्स आईवीटी वेरिएंट के बारे में। तो अगर आप कोई ऑटोमेटिक गाड़ी देख रहे हैं तो ये उसके अंदर एक सबसे बेहतरीन सजेशन हो सकता है, क्योंकि सेल्टोस के अंदर आईवीटी ट्रांसमिशन इसी वेरियंट के साथ में स्टार्ट होता है। उससे पहले कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर इस वेरियंट की एक शोरूम प्राइजेस की बात करते हैं तो 14,85,000 रुपये का एक शोरूम प्राइज इसका हरियाणा के अंदर। उसके अलावा ये 16,77,105 रुपये का ऑन रोड हरियाणा के अंदर पड़ता है। और अगर आप एक्सेसरीज और वारंटी भी कंसिडर करते हैं तो ये 17,18,837 रुपये का टोटल ऑन रोड हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। प्राइस आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी की ओवरऑल बात करते हैं तो सेम एसटीएक्स वेरिएंट ये है, इसके अंदर आईबीटी ट्रांसमिशन इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो इसी का ये पूरा डिटेल बैकग्राउंड वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर देखते हैं तो सबसे पहले ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, अरोरा ब्लैक पर्ल आता है ये इसके अंदर। अगर इसकी चाबी से शुरुआत करते हैं तो कुछ इस तरीके की चाबी हमें इसके लिए देखने के लिए मिल जाती है। इस चाबी के अंदर आपको 4 स्विच मिल जाते हैं, जिसके अंदर पहला लॉक का, तो जब भी आप गाड़ी को लॉक करेंगे ये साउंड आएगा, अनलॉक करेंगे ये साउंड आएगा। उसके अलावा अगर गाड़ी को स्टार्ट करना है तो लॉक प्लस में होल्ड इसका स्विच प्रेस करके रखेंगे, उससे गाड़ी के इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी आपको सुनाई दिया है इसके अंदर की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। इसको गाड़ी को फिर से ऑफ़ कर रहा हूँ आपको, तो ये बटन दबाएंगे और गाड़ी ऑफ हो जाएगी। और ये वाला जो स्विच आता है इसके अंदर, ये अपना आ जाता है बूट को खोलने के लिए। तो ये 4 स्विच मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके की चाबी आती है। सेम सेल्टोस के अंदर सेम चाबी आ रही थी अब तक, तो ये कुछ इस तरीके की चाबी आती है। अब इसकी लाइट की बात करते हैं तो फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो हेडलाइट सेटअप आता है इसके अंदर, यहाँ पे हमें 2 लो बीम के लिए और 2 हाई बीम के लिए लाइट देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे हार्ट बीट शेप के अंदर DRL आ जाता है यहाँ तक। उसके अलावा स्वाइपिंग बार यहाँ तक पूरा ऐसे मैच हो जाता है। उसके नीचे देखेंगे तो हार्ट बीट शेप के अंदर यहाँ पे इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके नीचे IQ फोग लाइट आ जाती है। पूरा जो ये सेटअप है व्हाइट लाइट का आ जाता है। LED लाइट है यहाँ पर भी, ऊपर भी और यहाँ पर भी। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो किया सिग्नेचर टाइगर रोज ग्रिल आ जाती है। यहाँ पे क्रोम की नर्लिंग देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे टोइंग हुक आ जाता है और उसके नीचे रेडिएटर की ग्रिल आ जाती है। उस स्किड ब्लेड यहाँ पे सिल्वर कलर की देखने के लिए मिल जाती है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इंजन प्रोटेक्शन गार्ड आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक का आता है, कोई मेटल का नहीं आता है। पर ये भी कहीं ना कहीं अगर छोटी मोटी चीज़ है उससे हेल्प कर देता है कि अपनी ऑब्जेक्ट अंदर ना जाए। तो एक बार लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ मैं कि कैसी लाइट इसकी ऑन करने के बाद दिखाई देती है। तो अगर लाइट ऑन रहेगी तो कुछ इस तरीके की लाइट नज़र आती है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे 2 लो बीम की लाइट ऑन है, 2 हाई बीम की यहाँ पे जलेगी, इंडिकेटर है। और नीचे ये इसका पूरा IQ फोग लाइट का डिज़ाइन आ जाता है। तो फ्रंट का ओवरऑल कुछ इस तरीके का लुक आ जाता है इसका। अब बात करते हैं ऊपर, तो ऊपर इसके अंदर जो इंजन देखने के लिए मिलता है वो 1.5 का इसके अंदर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है। इनफाइनाइट वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ ही आ जाता है। और गाड़ी की अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 1800 mm की चौड़ाई आ जाती है। उसके अलावा इसकी लंबाई की बात करते हैं 4315 mm की लेंथ आ जाती है और 1642 mm की इसकी हाइट आ जाती है। अब ब्लैक कलर के साथ में ये जो क्लाइडिंग है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्लाइडिंग पूरी ऐसे मैच हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर आपको यहाँ पर जो अलॉय देखने के लिए मिलते हैं वो 17 इंच के आ जाते हैं। उसके अलावा जो डिस्क ब्रेक है, आगे भी डिस्क ब्रेक आता है, पीछे भी डिस्क ब्रेक आता है, क्योंकि STX वेरियंट से ही हमें डिस्क ब्रेक चारों देखने के लिए मिलते हैं। 215/60R17 का इसका मेन टायर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी स्पेयर व्हील जो होगा 16 इंच का वो मैं आपको दिखा दूंगा। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है इसके अंदर। उसके अलावा मड फ्लैप लगे लगाए आते हैं पहले वेरिएंट से। इंडिकेटर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ए पिलर हो चाहे बी पिलर हो चाहे सी पिलर हो, पूरी गाड़ी ब्लैक आती है तो यहाँ पर आपको ब्लैक ही देखने के लिए मिलता है। ऊपर आप देख सकते हैं सनरूफ आ जाता है और यहाँ पर फ्लोटिंग टाइप की रूफ रेल देखने के लिए मिल जाती है। क्रोम डोर हैंडल आ जाते हैं, क्रोम की बेल्ट लाइन भी पूरी यहाँ से लेकर लास्ट तक मैच हो जाती है, जो इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना देती है। अब पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, चारों डिस्क आते हैं। 50 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद अगर पीछे का दिखा दूँ आपको तो ये जो कुछ इसका लुक आता है, ये आप लुक देख सकते हैं पैसेंजर साइड का और रियर का, तो ऐसा कुछ इसका लुक आ जाता है। ब्लैक कलर में गाड़ी काफ़ी शानदार लगती है। रियर का लुक आप देख सकते हैं, अगर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आ जाता है, यहाँ पे हाई मोटर स्टॉप लैंप आ जाता है। कोई इसके अंदर स्पॉइलर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो वो आप एक्सेसरीज में ऐड कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। उसके अलावा UEO कनेक्ट का यहाँ पे फीचर मिल जाता है, तो 58 कनेक्टेड फीचर आता है। गाड़ी को ट्रैक करना है, जियो फेंसिंग, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा पीछे देखेंगे तो यहाँ पे डिफॉगर और वाइपर का ऑप्शन आ जाता है, वॉशर भी यहाँ पे दिया गया है वॉशर का ऑप्शन, तो यहाँ से इसके अंदर पानी आता है और पीछे का ग्लास क्लीन हो जाता है। अब बात करते हैं सेंटर के अंदर, एक बड़ी सी यहाँ पे क्रोम की गार्निश आ जाती है जिसके ऊपर किया लिखा हुआ है, जो दूर से नोटिस नहीं होता पर पास से देखेंगे तो अच्छा लगता है। उसके नीचे यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट कर दी गई है और यहाँ पे देखेंगे
तो सेल्टोस की बैजिंग आ जाती है, एलईडी टेल लाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप हार्ट बीट शेप के अंदर, इंडिकेटर हैलोजन है और ब्रेक लाइट ये जो रिवर्स की लाइट है ये भी हैलोजन आती है। नीचे रिफ्लेक्ट देखने के लिए मिलता है, सेल्टोस की बैजिंग आ जाती है। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, ड्यूल मफलर डिज़ाइन यहाँ पे आ जाता है, फेक है यहाँ पे, और नीचे आपको स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है। अगर अंडर द बॉडी दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरीके का नीचे से देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके बूट की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर मिल जाता है, इसको दबा के आप गाड़ी को खोल पाएंगे और यहाँ से इसको पकड़ के आप बंद कर पाएंगे। इमरजेंसी डोर एग्जिट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो 433 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस टोटल देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे लाइट का ऑप्शन भी आ जाता है और यहाँ पे कोई सामान अगर आपको हैंग करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है और यहाँ पे आप अपना कोई फर्स्ट एड किट वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसके अलावा मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आप देखते हैं ये स्पेयर व्हील आ जाता है और इसका जो साइज़ है वो 205/65R16 का देखने के लिए मिल जाता है। हैजार्ड का सिंबल आ जाता है, उसके अलावा फर्स्ट एड किट आ जाती है। ये जो यहाँ पे लगाया गया है ये एक्सेसरीज और ये एक्सेसरीज, ये तीनों एक्सेसरीज का पार्ट है तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पार्सल ट्रे आ जाती है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी दी गई है काफ़ी। यहाँ पे देख सकते हैं कुशन है, ये भी तीनों एक्सेसरीज का पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पाइप मिल जाती है जिसके अंदर से वाशर का फ्लूड जाता है। तो ये कुछ रियर का लुक आ जाता है इसका। अब ड्राइवर और रियर के लुक दिखा देता हूँ आपको, ये भी काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ड्राइवर साइड में कुछ ऐसा खास तो है नहीं, जो उधर उस साइड दिखाया था वही चीज़ें आती है। यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं कि IBT की यहाँ पे बैजिंग आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, इसको दबा के आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। क्रोम डोर हैंडल आ ही रहे थे, अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जो महसूस होगा कि ड्यूल टोन इंटीरियर आता है, ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन जो कि HTX के अंदर पहले से आ रहा था वही कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है। अब ड्राइवर डोर की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा ट्विटर आ जाता है और ये जो कलर आता है यहाँ पे पूरा ये शाइनिंग ब्लैक के साथ में मैच हो जाता है। ये जो ओपनर आते हैं सिल्वर कलर के आते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टच यूज़ किया गया, मे बी ये लेदर हो सकता है और यहाँ पे वाइट स्टिचिंग यूज़ की गई है। उसके अलावा ये पूरा ब्लैक के साथ में आता है। यहाँ पे आपको पूरा जो विंडोज़ के सेटअप है वो देखने के लिए मिल जाता है, लॉक अनलॉक का, OVRM सेट करने का। ये वन टच के साथ में डाउन के साथ में आता है, उसके अलावा वन टच इसको करेंगे तो ये आपके साथ में भी आ जाता है। और इसके नीचे यहाँ पे एक लीटर की बोतल रख सकते हैं आप, उसके अलावा कोई और सामान हल्का फुल्का यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे बात करता हूँ तो मैनुअल इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और बाकी एडजस्ट आगे पीछे देखने के लिए मिल जाता है। ये सीटों पर डिज़ाइन आ जाता है हनीकॉम पैटर्न के साथ में देखने के लिए मिल जाते हैं। HTX IBT के अंदर कोई भी वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं आता इसके अंदर, इसके अंदर सिर्फ नॉर्मल ये डिज़ाइन ऐसा दिया गया है। यहाँ से आप इसका फ्यूल टैंक ओपनर ओपन कर पाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे बोनट ओपनर मिल जाता है। ये जो मैट है ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है तो गाड़ी के साथ में ये चीज़ें नहीं आती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग की, तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठने के साथ आप स्टीयरिंग को फील करते हो तो स्टीयरिंग में लेदर यहाँ पे यूज़ मिल जाता है पूरी गाड़ी के अंदर और यहाँ पे देखेंगे सेल्टोस की बैजिंग आ जाती है। सिल्वर कलर का यूज़ यहाँ पे भी किया गया है। एयरबैग यहाँ पे आता है और उस साइड में एयरबैग वहाँ पे दिया गया है, तो दो एयरबैग आते हैं। जो टॉप वेरियंट आता है उसके अंदर 6 आते हैं, बाकी सभी के अंदर ऑलमोस्ट दो एयरबैग ही देखने के लिए मिलते हैं। अब और बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इस साइड दिखा देता हूँ कि यहाँ पे AC वेंट मिल जाता है हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर, यहाँ पर भी सिल्वर इंसर्ट का यूज़ किया गया है। उसके नीचे हेडलाइट लेवलर आता है। ये जो इसकी लाइटें आती है कैबिन की, इनको कम या ज़्यादा करने के लिए आता है। अगर रात के टाइम आप ड्राइव कर रहे हो तो इनको कम कर सकते हैं और दिन के टाइम ड्राइव कर रहे हो तो इनको ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन नहीं आता है। उसके अलावा यहाँ पे अट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए आता है, पुश बटन स्टार्ट आ जाता है नॉर्मल, जैसे प्रेस करेंगे तो ये 2-3 बार में ऑन हो जाता है, ब्रेक दबा के करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसके नीचे यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग के अंदर आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है दोनों ही तरीके की, टिल्ट एंड इसके अंदर टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी देखने के लिए मिल जाती है, तो ये यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाती है। अब लाइट स्विचेस की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक लाइट इसके अंदर डेफिनेटली आती है, तो इसको आप अगर ऑटो पे करके छोड़ देंगे तो ये नॉर्मल ऑन ऑफ अपने हिसाब से होती रहेगी। यहाँ से फोग लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा इस साइड में वाइपर के कंट्रोल आते हैं, मैनुअल वाइपर आते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर HTX IBT के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये वाले जो कंट्रोल होते हैं ये MID को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, यहाँ से आप इसकी स्लाइड चेंज कर पाएंगे। जैसे इसके अंदर देखेंगे तो करंट माइलेज आ रहा है, उसके अलावा ट्रिप AB और डिजिटल स्पीड आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पेट्रोल वेरिएंट है, तो यहाँ से लेके 8 RPM पर आ जाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर का आ जाता है। उसके अलावा एक छोटी डिस्प्ले आती है जिसके अंदर मल्टी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। उसके अलावा ऊपर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे टोटल इसकी रेंज आ जाती है, अगर पेट्रोल होगा कितने किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी, यहाँ पे कंपास आ जाता है और अभी गाड़ी पार्क पे तो ये पार्क का सिंबल आ रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर और टोटल किलोमीटर और यहाँ पे वार्निंग लाइट आ रही है देखने के लिए। अब यहाँ पे स्पीडोमीटर आ जाता है और फ्यूल का लेवल का आ जाता है यहाँ पे।
क्रूज कंट्रोल का स्विच यहाँ पे मिल जाता है, इसको दबा के आप यहाँ पे जैसे दबाएंगे क्रूज ऊपर लिखा जाता है और इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं डाउन करके कैंसिल का। ये वाले जो आते हैं ये उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके अलावा ये वाले जो आते हैं ये यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आते हैं। तो ये इस कंट्रोल इसके अंदर जो आ जाते हैं वो दिखा दिया मैंने। अब बात करते हैं इस सेंटर डैशबोर्ड की। तो सेंटर डैशबोर्ड का जो लेआउट है, ये वाला लेआउट जो आता है ये काफ़ी अच्छा लगता है और शाइनिंग ब्लैक के कलर के साथ में आता है, प्यारो ब्लैक के साथ में काफ़ी अच्छा मैच हो जाता है। उसके अलावा डैशबोर्ड की क्वालिटी भी अच्छी आती है, आपको कहीं ऐसा फील नहीं होगा कि हल्की क्वालिटी देगी, प्रीमियम फील होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक प्लेसमेंट भी आती है, इसके अंदर स्पीकर वगैरह अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे कोई डिविनिटी लगाना चाहते हैं, भगवान की या किसी चीज़ की मूर्ति लगाना चाहते तो वो आप इसके अंदर ऐड करा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी लेदर का यूज़ किया गया, ब्लैक स्टिचिंग आती है, यहाँ पे पूरा ब्लैक आ जाता है। इसके नीचे जो एसी वेंट आते हैं वो आप देख सकते हैं, इनको आप मैनुअली क्लोज करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, हैजार्ड लाइट यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो फुल ऑटोमेटिक एसी आ जाता है, यहाँ पे माइक का ऑप्शन आ जाता है और एक माइक का ऑप्शन ऊपर भी दिया गया, वो मैं आपको दिखा दूंगा। एसी को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विचेस मिल जाते हैं, ऑटो पे करने के लिए ये यहाँ पे ऑटो का स्विच मिल जाता है, ऑफ यहाँ से हो जाएगा। अब उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो आता है वो इसके अंदर फोन रखने के लिए स्पेस आता है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। और यहाँ पे दिखाऊँ 12 वोल्ट का इसके अंदर टायर इन्फ्लेटर या कुछ भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, यूएसबी एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले चलाने के लिए, और यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये यहाँ पे स्विच आ जाते हैं। उसके अलावा इस म्यूजिक सिस्टम की बात करता हूँ मैं, मैंने छोड़ दिया था बीच के अंदर। तो इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, इसके अंदर काफ़ी फीचर आ जाते हैं जिसके अंदर कनेक्टेड फीचर भी ऐड किए गए हैं। उसके अलावा मैप इनबिल्ट आ जाता है, 3 साल का सब्सक्रिप्शन इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। यूवीओ के यहाँ पे फीचर भी मिल जाते हैं, एयर प्योरीफायर है उसको कंट्रोल करने के लिए, काफ़ी सारी फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसका साउंड सिस्टम भी अच्छा है, इसके अंदर 4 स्पीकर 2 ट्विटर आते हैं, बोस के नहीं है पर अच्छी क्वालिटी के हैं, आपको ये फील नहीं होगा कि नॉर्मल है, अच्छा फील होगा इसके अंदर। यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे कुछ स्विचेस दिए गए पर ये टच वाले हैं, अगर घुमाने वाले नो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पर यहाँ से आप इसको कंट्रोल करके म्यूट कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं, ट्रैक चेंज, कॉल उठाना खट करना, वो वाली चीज़ें सारी यहाँ पे आ जाती है। बाकी अगर इसके बारे में अगर आप इसकी ऑडियो सिस्टम सुनना चाहते हैं तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसकी रील्स और काफ़ी सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, तो उसका लिंक आपको ऊपर यहाँ पे शो हो रहा होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ की बात करते हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिक IVRM देखने के लिए मिल जाता है, इसके ऊपर भी आपको 3 चीज़ आ जाते हैं, यूवीओ कनेक्ट कॉल सेंटर में कॉल करने के लिए, टोइंग कराने के लिए, उसके अलावा SOS के लिए जो होती है वो वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ऑटोमेटिक डिमिंग फंक्शन के साथ आता है, रात होते के साथ अपने आप ये डिम हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, लाइट है मैनुअल आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाएंगे। और उसके अलावा भी यहाँ पे क्या है कि LED का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइट है, काफ़ी प्रीमियम फील होती है, इनको आप डोर पे भी रख सकते हैं। उसके अलावा मैनुअल भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, सनरूफ यहाँ से वन टच करेंगे तो यहाँ से सनरूफ ओपन होने लग जाता है, और एक बार में सनरूफ इतना रहता है, अगर दूसरी बार आपको पूरा ओपन करना है तो इसको ऐसे करके रखना पड़ता है, उसके बाद ये पूरा ओपन हो जाता है। लगभग इसके अंदर नॉर्मल बंदा आराम से निकल सकता है, कोई अगर ज़्यादा शरीर के अंदर हेल्दी है तो मैं भी थोड़ी दिक्कत हो सकती, नहीं आराम से इसके अंदर से निकल सकते हैं आप। यहाँ पे एक वैनिटी मिरर का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर आता है, और ये का वाला कर्टन आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। अब गियर लीवर की बात करते हैं तो यहाँ पे लेदर का यूज़ में गियर लीवर आ जाता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, दिखने में प्रीमियम फील होता है, इसको दबा के आप गियर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अभी गाड़ी पार्क पे है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, कोई पैडल शिफ्टर का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता IVT के अंदर, जो फुल ऑटोमेटिक आते हैं उनके अंदर पैडल शिफ्टर आता है, IVT के अंदर कोई पैडल शिफ्टर नहीं आते। यहाँ से इसको दबा के आप इसका जो पीछे का कैमरा है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, पर गाड़ी भी पार्क पे तो ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो इसको ड्राइव पे करते हैं और यहाँ से इसको एक्टिवेट करते थे। तो ये ऐसे करके आप इसको ये वाले स्विच से यहाँ पे कैमरा आप इसका ऑन कर पाएंगे। तो अभी पार्क पे डाल देते हैं, पार्क पे डालते साथ ही अपने आप क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे 2 बोतल होल्डर मिल जाते हैं या कप होल्डर लगा सकते हैं आप, इनके अंदर आप अपना सामान आराम से रख पाएंगे। यहाँ पे आर्म रेस्ट आ जाता है, फिक्स टाइप में आता है, एडजस्टेबल नहीं है, इसके ऊपर व्हाइट कलर ब्लैक कलर का आर्म रेस्ट है और ये ग्रे कलर की, इसके अंदर स्टिचिंग मिल जाती है। अब यहाँ पे इसके अंदर 1 लीटर की लगभग 3 बोतल आप रख सकते हैं, तो 3 बोतल यहाँ पे आप रख पाएंगे आराम से। ये इसका आगे का ड्राइवर साइड जो चीज़ें थी उसका ऑप्शन आ जाता है। अब इसके पीछे चलते हैं और पीछे की सीट पे दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर ये यहाँ पे कर्टन आ जाते हैं, कर्टन लगा के आप इसको जैसे धूप ज़्यादा आ रही तो इसके अंदर आप इसको कर्टन भी लगा सकते हैं। सेम यहीं पे डोर ओपनर सिल्वर कलर के मिलते हैं, उसके अलावा ये ब्लैक कलर का मिलता है, यहाँ पे बीच कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, स्पीकर यहाँ पे आता है, पावर विंडो डाउन करने के यहाँ पे,
उसके अलावा एक लीटर की बोतल होल्डर यहाँ पे, और कोई सामान रखने के लिए यहाँ पे, सेल्टोस की सील प्लेट यहाँ पे आती है, लगी लगाई आती है, एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है ये। तो ये भी इसके अंदर वेरिएंट में काफ़ी सारी चीज़ें क्या है कि लगी लगाई आती है, आपको एडिशनल लगवानी नहीं पड़ती। उसके अलावा सीटों की क्वालिटी अच्छी है, थाई स्पोर्ट अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा आपको। पैटर्न है सेम वही हनीकॉम पैटर्न है, मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि वेंटिलेटेड सीट है, पर इस वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट नहीं आती। आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और उस साइड आ जाते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो आर्मरेस्ट के अंदर आपको एक टैबलेट होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है। तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं तीनों पर्सन के लिए, तो अगर तीन बड़े इसके अंदर बैठे हुए हैं तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सीटों के अंदर 60-40 का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको बूट स्पेस एक्सटेंड करना है अपना, तो आप इसको क्लोज करके ऐसे यहाँ पे कोई भी सामान इसके अंदर रख सकते हैं और वहाँ पे दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं, और इसको नहीं करना तो उसको भी कर सकते हैं। उसके अलावा रिक्लाइन एंगल भी यहाँ पे दो सेट कर सकते हैं आप, इसको यहाँ से करके आप ऐसे भी सेट कर पाएंगे, तो मैक्सिमम ये रिक्लाइन एंगल आ जाता है, देख सकते हैं आप इतना स्पेस बन गया है लगभग। तो अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो इसको कंफर्टेबल करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा पीछे जो आता है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे सीट के पीछे एक यहाँ पे पॉकेट आ जाती है मैगजीन होल्डर, उसके अलावा वहाँ पे एक फ़ोन होल्डर और एक मैगजीन होल्डर आ जाते हैं। यहाँ पे सेंटर के अंदर लाइट आ जाती है, एलईडी टाइप में लाइट आती है, और यहाँ पे आपको कोट एंगर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जी आपको एयर प्योरीफायर का जो डिस्प्ले आती है वो आती है, तो इसके अंदर यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके अंदर एयर प्योरीफायर हमें वहाँ से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। नीचे एसी के वेंट आ जाते हैं यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए, और एक चार्जिंग पॉइंट आता है। सेंटर हम पे इसके अंदर ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, तो जो बीच वाला बंदा है वो कंफर्टेबली बैठ पाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ आपको बताऊँ, तो इसके अंदर क्या है कि जो बंदा यहाँ पे बैठेगा उसके लिए तो कोई दिक्कत इसके साथ में होने नहीं वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस सीटों को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे ऐसे नीचे हो जाते हैं फ्लो में ये, तो जो बंदा यहाँ पे बैठ रहा है या यहाँ पे बैठ रहा है वो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठेगा। पर यहाँ वाले बंदे को क्या है, अगर लॉन्ग ट्रिप पे आप जा रहे हो तो जो बीच वाला बंदा है उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम्प है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे कमर लगा के बैठना पड़ेगा, उसके लिए दिक्कत का कारण हो सकता है। बाकी इसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। IVT वेरिएंट की खूब डिमांड है, इस पर लगभग जो वेटिंग रहती है 19 से 20 वीक की रहती है। तो अगर आप ये कोई ऑटोमेटिक गाड़ी देख रहे हैं सेगमेंट के अंदर, तो इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको सारे जो फीचर रिक्वायर होते हैं ऑटोमेटिक के साथ में, वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो ये था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं काफ़ी सारी रील्स डालता रहता हूँ, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।